इंदौर में मंगलवार को हरतालिका तीज पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। युवतियों ने मनचाहे वर की कामना के लिए तो विवाहितों ने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की। घरों और मंदिरों में बालू रेत के शिवलिंग बनाकर पूजन भजन और कीर्तन किया। निर्जला व्रत रखकर महिलाओं ने रत जगा किया और शिव पार्वती की आराधना की। इंदौर के राजवाड़ा चौक पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी यहाँ पहुंचकर महिलाओं का उत्साह बढ़ाया। हरतालिका तीज पर इंदौर में जगह जगह सामूहिक पूजन और भजन संगीत के आयोजन भी हुए। राजवाड़ा पर लोक सांस्कृतिक मंच द्वारा भजन संध्या कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। यहां गन्नू महाराज ने शिव जी के भजनों की मधुर प्रस्तुति दी, जिस पर महिलाओं ने जमकर नृत्य किया। कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी ने महिलाओं को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी दिलाया। परदेसीपुरा में भी तीज की रात उत्साह का माहौल रहा। प्रवासी नेपाली संघ भारत मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ संयुक्त राज्य समिति के अंतर्गत संचालित इंदौर पूर्वी पश्चिम व महिला विभाग ने हरतालिका तीज पर्व मनाया। आयोजन के मुख्य अतिथि चूड़ामणि गौतम व रत्ना खड़का रहे थे। कार्यक्रम का संचालन माया शर्मा, भगवती शर्मा व एस भंडे ने किया। इंदौर नंदानगर स्थित संत जोसेफ चर्च में मंगलवार से माता मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी आरंभ हुई। इसके तहत मंगलवार से नौ दिनी नौवेना की शुरुआत हुई। मंगलवार को रोजरी माला, नौवेना तथा पवित्र मिस्सा अर्पित की गई। कार्यक्रम का संचालन संत जोसेफ सेविका संस्था तथा संत अन्ना की धर्म बहनों ने किया। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक फादर जाली जॉन तथा फादर सुभाष वसुनिया हैं। माता यह संदेश आदरणीय मोदी जी का